आपके अंदर है खुद की कैपेसिटी को एक्सपैंड करने की ताकत और उसके भी आगे जाने की, जहां तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी कैपेसिटी हो सकती है। हो सकता है आप वहां बैठकर ये सोच रहे हो कि आपकी लाइफ जैसी इस समय है वो बेस्ट है। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि आपके अच्छे दिन पीछे रह गए। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि आप खत्म हो गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 30 की उम्र छूते ही ये कहते हैं कि अब करने से क्या होगा, अब तो समय ही खत्म हो गया। लेकिन रियलिटी ये है कि अभी तक आपने शुरू भी नहीं किया, अभी आप खत्म नहीं हुए, अभी तो आपने शुरुआत ही की है। आपके अंदर काबिलियत है अपनी कैपेबिलिटी से और आगे जाने की। जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सीखी, तो आपका नॉलेज बढ़ता है, और जब आपका नॉलेज बढ़ता है तो आपकी समझने की शक्ति और उस समझ को अप्लाई करने की शक्ति भी बढ़ती है। हर बार जब आप नए लेवल में जाते हो, हर बार जब आप उस लेवल तक पहुंचते हो जहां अब से पहले आप कभी नहीं पहुंचे, आप ग्रो करते हो। और हर बार जब आप ग्रो करते हो तो आप अपनी कैपेसिटी को भी एक्सपेंड करते हो। अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करने का अर्थ है आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और ज्यादा हैंडल करने के लिए, और आगे जाने के लिए, अपने जीवन के पजल में एक नया पीस लगाने के लिए। हो सकता है अपनी लाइफ के उस टुकड़े को आपने कभी देखा भी ना हो। आपके जीवन के पजल में बहुत सारे ऐसे पीसेस होते हैं जो आप केवल तभी देख सकते हो जब आप खुद को एक्सपेंड करते हो। तो उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें खोलो। जब आप रनिंग शुरू करते हो, मान के चलते हैं आपने 10 किलोमीटर बिना रुके दौड़ते रहने का गोल सेट किया है। आपका ये फर्स्ट टाइम है, तो हो सकता है आप 10 किलोमीटर लगातार ना दौड़ पाएं। हो सकता है 1 किलोमीटर में भी आपको कई बार रुकना पड़े, लेकिन अगली बार जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आपको वो 1 किलोमीटर दौड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप इसे बिना एफर्ट के कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उस डिस्टेंस के लिए आपकी कैपेसिटी ग्रो कर चुकी है और अब आप इसके आगे भी जा सकते हैं। और कुछ देर ट्राई करने के बाद आप 4 किलोमीटर भी आसानी से दौड़ सकते हैं, और धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस से आप 5 किलोमीटर दौड़ पाएंगे, 8 किलोमीटर दौड़ पाएंगे और फाइनली 10 किलोमीटर भी दौड़ लेंगे। अगर आप अपनी ट्रेनिंग में कंसिस्टेंट होते हैं तो वो 10 किलोमीटर जो कि इम्पॉसिबल लगते थे, वो अब आपके लिए इजी हो जाते हैं। और अब ये शायद आपके लिए पर्याप्त नहीं है, आपको अपने जीवन में और चैलेंजेस की जरूरत होती है, क्योंकि आप ग्रो कर चुके हैं, आपकी कैपेसिटी ग्रो कर चुकी है, और अब वो 10 किलोमीटर पर्याप्त नहीं है आपके जीवन में आपकी ग्रोथ के लिए। आपको और आगे जाने के लिए और नए चैलेंजेस की जरूरत होती है, और आपके जीवन के लिए भी ये सत्य है। आप कोई भी चीज सीखते हैं और उस सीख को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप ग्रो करते हैं। आप अब वो व्यक्ति नहीं जो एक समय हुआ करते थे। तो उसी प्रकार आपके गोल भी चेंज होने चाहिए ताकि आप खुद के बेस्ट वर्जन बन सके। आपको खुद को चेंज करना ही होगा। अब वो गोल आपके लिए पर्याप्त नहीं है जो आपने तब सेट किए थे जब आपकी कैपेसिटी आज की आधी थी। अब आपके गोल और भी बड़े और भी एक्साइटिंग होने चाहिए, ताकि जो ग्रोथ उन गोल्स को पुश करने से आए वो उस लड़ाई के काबिल हो। ये वो गर्व है जो बड़े बड़े चैलेंजेस को पूरा करने से मिलता है। ग्रोथ का एकमात्र उपाय है दृढ़ता और कंसिस्टेंसी।